नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजलि कहीं फिसल न जाऊं तेरे ख्यालों में चलते चलते अपनी यादों को रोको मेरे शहर में बारिश हो रही है जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेष तो चलिए अब शुरू करते हैं किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते अच्छे के साथ अच्छा बने और बुरे के साथ बुरा नहीं क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता आपको भी बुरे के साथ अच्छा बनना होगा क्या बता वो भी आपकी अच्छाई को देखकर बुरे से अच्छा बन जाए खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम ना हो जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाइए मगर किसी की मजबूरी और भरोसे का नहीं सबसे पहले मैं आपको दूं तो आज आपके लिए जो है भाग्यशाली जो कलर है रंग है वो रहने वाला है आज के लिए सिल्वर कलर और जो लकी नंबर है वो आपके लिए नंबर एक रहेगा आज का जो दिन है वो मिशे फलदायक साबित हो सकता है आपके लिए जितनी पॉजिटिव घटनाएं होंगी उतनी ही नेगेटिव घटनाएं भी आपके सामने आएंगी व्यक्तिगत जीवन और काम की जिम्मेदारियों में तालमेल बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है मन में दुविधा बनी रहने की वजह से योग्य फैसला ले पाना बहुत ही कठिन हो सकता है आपके लिए इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं वो आज के दिन नहीं लेने चाहिए अगर आप आयात निर्यात का काम करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का तो आपको आज काफी नई चीजें सीखने को मिल सकती है कपास का सौदा लाभ दे सकता है आज आपको प्लास्टिक फर्नीचर के कारोबारियों को ज्यादा अनुकूलता भी रह सकती है आप अपने भरोसे विश्वास और कार्यक्षमता के जरिए स्थितियों को और भी ज्यादा बेटर बनाने का प्रयास करते रहेंगे और सफलता भी आपको हासिल हो सकती है किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मामला रुका हुआ है तो आज उस पर अपना ध्यान केंद्रित जरूर कीजिएगा आपको सफलता जरूर मिल पाएगी बाहरी व्यक्तियों और दोस्तों की सलाह आज आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है इसलिए उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास ना करके अपने फैसलों को ही सर्वोपरि रखे तो बेटर रहेगा कार्यों के प्रति बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत पड़ेगी आपको पैसों की समस्या दूर करने के प्रयास को धीरे धीरे प्रगति मिलेगी काम के नए तरीके सीखने की आवश्यकता होगी परिवार का साथ जो है वो आपके मनोबल को बढ़ा सकता है पारिवारिक जिम्मेदारियां और खुद के लिए देखे सपने दोनों बातों को संभल आगे बढ़ना आपका स्ट्रेस को बढ़ा सकता है आज सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ सकती है काफी हद तक आप अपनी अच्छी इमेज बना पाएंगे समाज में आपकी ही चर्चा होगी ज्यादातर समय आज घर में बिता सकते हैं घर में आप सफाई वगैरह में एक दूसरे का जो है सहयोग कर सकते हैं घर की चीजों के लिए भी आप नई शॉपिंग वगैरह करने जा सकते हैं घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा और उनकी देखभाल का आप पूरा ध्यान रखिएगा उनका आशीर्वाद और स्नेह आपके लिए संजीवनी का कार्य करेगा घर में किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के आने से घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा बना रहेगा स्टूडेंट्स को किसी प्रोजेक्ट में अपने मन के मुताबिक सफलता ना मिलने से उदासी रह सकती है साथ ही में आज जो अपना मनोबल है वो भी बनाए रखना होगा खर्चा करते समय अपने बजट पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है बस आपको उतना ही खर्चा करना है जितना आप एफोर्ड कर सकते हैं इससे ज्यादा मत कीजिएगा बात करते हैं बिजनेस और कैरियर की तो आज तमाम नेगेटिव परिस्थितियों की वजह से सभी व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य ही रहेगी साथ ही में जो चल रहा है उसी पर ध्यान केंद्रित रखेंगे तो बेटर रहेगा इसके साथ ही आज आर्थिक स्थितियां सामान्य बनी रहेंगी कोई भी फिगर ज्यादा करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है साथ में आज पार्ट टाइम काम करने वाले जो लोग हैं उनको काम का बड़ा मौका मिल सकता है आप काफी हद तक एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा अर्न भी कर पाएंगे इसी के साथ ही आज व्यापार में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से आपको बचना होगा किसी प्रकार का रिस्क जो है आज नुकसान कर सकता है आपको ऐसी आशंकाएं बनी हुई हैं किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करते समय भी अपने बजट का ध्यान देना होगा नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तरक्की के बहुत ही बढ़िया योग बने हुए हैं इसलिए अपने काम के प्रति पूरी तरह से आपको फोकस करके रहना चाहिए साथ में आज जैसा कि पहले बताया था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े व्यापार में नया पल लाने की जरूरत है तो आप इसमें तब्दीली लाएं आपके लिए आगे चलकर बहुत ही हद तक फायदा और अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं इसके साथ ही जो लोग जो हैं नया काम शुरू करना चाहते हैं वो भी आज से शुरू कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी चलिए बात करते हैं आज की लव लाइफ के बारे में तो आज की लव लाइफ आपके बारे में कहती है कि पति पत्नी के बीच किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर अगर कहा सुनी हो रही है तो आपको समझदारी से काम लेना होगा आज आपको कोई भी ऐसी पुरानी बातें हैं उनको जो है अपनी जुबान पर नहीं लेना चाहिए वरना आपका जो मुद्दा है वो ज्यादा बिगड़ सकता है इसलिए जो भी चीज है आपको उसी टाइम पर सॉल्व कर लेनी चाहिए ज्यादा बेटर रहेगा ढेल मत दीजिएगा आज पार्टनर के साथ काफी मेल जुल बढ़ सकता है एक दूसरे की मदद करते हुए आप नजर आएंगे स्पेशली घर के कामों में अगर आप घर पे आज टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ काफी पुरानी बातें को ताजा भी कर सकते हैं पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बनाने में आपका विशेष संयोग रहेगा और प्रेम संबंध भी मर्यादित रहेंगे वैवाहिक जीवन की समस्या का निवारण करने के लिए बुजुर्गों की राय लेना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ के बारे में तो आज की हेल्थ कहती है कि शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में ना ही रहें तो ही बेटर रहे होगा क्योंकि आप जो हैं आज बुरी संगति में भी फंस सकते हैं इसलिए आपको बचना चाहिए आज हड्डी में फ्रैक्चर के में दर्द हो सकता है ध्यान रखना होगा मांसपेशियों में जो है खिंचाव, आज आपके दिन जो है महसूस कर सकते हैं सूजन भी हो सकती है इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा बदलते मौसम के कारण जिनका बीपी बढ़ता है या कम होता है या फिर डायबिटीज़ है जिनको उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है आपको लगातार जांच करवाते रहना चाहिए और अपनी डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर आपकी डाइट ठीक रहेगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हाँ योगा और जो है मेडिटेशन करना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए तो आप ये ज़रूर कीजिएगा तो चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको जो है लाल रंग के वस्त्र किसी को उपहार में देने चाहिए या फिर आप लाल रंग का जो तोहफा है वो दे सकते हैं तो काफी बेहतर रहेगा इसी के साथ ही आज मोदक का भोग भगवान गणेश जी को जरूर लगाएं और हाँ गणपति की चलीसा पढ़ना मत भूलेगा इसके साथ ही आज एक छोटा सा और भी आप ऐड कर सकते हैं वो ये है कि अगर आज आप गुप्त रूप से किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के तो आपको भगवान की प्रसन्नता अवश्य मिलेगी तो आप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जरूरी पहले कीजिएगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद